वाटर क्रॉसिंग हमारी लद्दाख की तो यही पूरी हो रही है अब। चलो ललित भाई कॉन्टेक्ट में रहेंगे। और अगर मैं घूमने की बात करूँ तो वहाँ पर भाई 12 दिन कम पड़ सकते हैं आपके। तो फाइनली भाई घर की राह पर। हाँ, एक आखिरी सेल्फी ले लो हेलमेट पहन करके। ये कौन है? ये मेरा बाबू है। आजा आजा आजा। ओह, तो अंकल जी अब जा रहे हैं भाई अपने घर यहीं से। इनका आगे से जाके राइट होकर के नीचे से घूम करके रास्ता जाती है। इनका गांव है हासी, हासी बता रहे थे। तो ये वहाँ से होकर के घूम करके निकल जाएंगे। अब काफ़ी मज़ा आया देख करके कि इस उम्र में भी लोग घूम सकते हैं भाई इतना। वो भी हमें एक बार थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी वहाँ। क्यों? सिंगू पे, सिंगू बॉर्डर पे? नहीं नहीं, थोड़ा सा ही है बस, खाली हमें 10-15 मिनट लगेंगे अंदर अंदर से। हाँ, एक आखिरी सेल्फी ले लो हेलमेट पहन करके। थोड़ी दूर से लेना, सब आ जाएंगे। इतनी दूर से तो नहीं आ पाएंगे। चले पानीपत से। पानीपत तो भी है 100-150 किलोमीटर। 100-200 किलोमीटर है अपना यहाँ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो भाई अब सब धीरे धीरे अपने अपने घरों पे जा रहे हैं। इतने दिन का टाइम जो था भाई ऑलमोस्ट साथ में गुजरा है। कभी बाइक पे साथ में चलते हुए, कभी साथ में रह करके, काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। मज़ा आ गया भाई। यही होती है भाई राइडिंग, कि आप निकलते अकेले हो, फिर रोड पे चलते चलते आपसे लोग मिलते हैं, दोस्ती हो जाती है आपकी, एक बॉन्डिंग बन जाती है सबके साथ। वही चलता रहता है बस। अब हम कौन कौन बचा है? दिल्ली जाने वाले बचे हैं मैं, डॉक्टर साहब और ललित भाई, और गुड़गांव जाने वाले हैं भाई रविंदर भाई, रोहित भाई और जैन साहब। तो अभी 100 किलोमीटर तक तो रविंदर भाई, रोहित भाई और जैन साहब भी साथ में चलेंगे जब तक KMP वाला बाईपास नहीं आ जाता है। फिर उसके बाद ही रास्ते चेंज होंगे सबके। हमें जाना है सीधा बिल्कुल ही नाक की सीध में। हमारा जो है बिल्कुल ही नाक की सीध में है, कहीं नहीं मुड़ना है। सीधा पार हो जाएंगे हम दिल्ली। ये हाईवे सीधा दिल्ली जाता है, तो हमारे लिए ये चीज़ ठीक है। बस क्या कहते हैं, जो हमारा जाम मिल सकता है वो मिलेगा सिंगू बॉर्डर पर हल्का फुल्का। ये आ गया भाई अम्बाला गेट। अम्बाला आपका स्वागत करता है। अम्बाले पहुंच गए हैं अब हम। यहाँ से 3 घंटे हमें लगेंगे, 3-3.5 घंटे लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे, क्योंकि अगर हम सही चलाते रहेंगे स्पीड में अपनी तो हमारी स्पीड मेंटेन रहेगी, और मेंटेन रहेगी तो आज रश भी काफ़ी ज़्यादा है। वैसे देख रहा हूँ आज गाड़ियाँ बहुत सारी चल रही हैं यार, यूजुअली इतनी गाड़ियाँ नहीं होती हैं, आज बहुत गाड़ियाँ चल रही हैं रोड के ऊपर। थोड़ा सा रश हो रहा है, बट चलता हुआ रश है, चलता हुआ क्या, दौड़ता हुआ रश है भाई। ये तो सब 100 पे चल रहे हैं। आखिरकार 12वें दिन में वापस उसी रोड पर आ गया जहाँ से मैं शुरू हुआ था आगे निकलना। यही वो खड़ था जहाँ से मैं आगे अमृतसर गया, अमृतसर से श्रीनगर, श्रीनगर से कारगिल, कारगिल से लेह, लेह से नुब्रा, नुब्रा से पेंगोंग, पेंगोंग से कारू, और कारू से सरचू, सरचू से मंडी,
और मंडी से और वापस दिल्ली की जर्नी पे भी। दिन वक्त कैसे गुजर जाते हैं वो तो यही देख के आप बता सकते हैं मेरी वीडियो कि 12 दिन पता नहीं लगे कब कवर हो गए। 12वें दिन अब अपने घर पहुंच जाएंगे। मतलब अभी जिस स्टेज में मेंटेन है इस हिसाब से चलाऊं तो 3 घंटे मुझे लग जाएंगे, अभी भी 3-2.5 घंटे लगेंगे क्योंकि रोड तो अच्छा है, बस आगे थोड़ी सी दिक्कत है बॉर्डर पे, बाकी तो बिल्कुल ठीक है। वैसे काफ़ी देर से स्पीड मेंटेन हो रही है तो किलोमीटर जल्दी जल्दी कवर हो गए। अभी मेरे ख्याल से मुझे 1 घंटा हुआ होगा 199 से 143 पे आ चुके हैं, 199 किलोमीटर था। देन उसके बाद अब 143 बचा है दिल्ली। बीच बीच में रुकना पड़ता है क्योंकि बाइक आप इतनी लंबी खींच तो सकते हैं लेकिन फिर आपको दिक्कत हो सकती है। ये देखो मतलब क्या साबित करना चाहता है, निकाल लेता फिर रोक क्यों दी जब इतनी घुसेड़ता है तो दिख भी रहा है ठुका हुआ पीछे से। अरे भाई क्यों हो रखा है यहाँ पर, देखो ये पीछे वाला रास्ता है जो सोनीपत के अंदर से निकलता है भाई, मतलब कुछ छोड़ा ही नहीं है, मतलब कितना पानी है देखो। वाटर क्रॉसिंग हमारी लद्दाख की तो यही पूरी हो रही है, लद्दाख में जितनी नहीं थी उतनी यहाँ पर पूरी होगी भाई अपनी। सही है सही है सही है सही है सही है सही है, लद्दाख की याद दिलाती पूरी की पूरी भाई यहाँ पर आकर के। तो मतलब दिल्ली के आसपास के हालात देख लो, लद्दाख से कम नहीं है, जब भी तो दिल्ली वाले आराम से लद्दाख कर लेते हैं। लद्दाख करने के लिए जो चीज़ चाहिए वो तो यहीं पे है, पूरा रोड ही ख़राब कर रखा है यार, पानी भर के तो ऐसी तैसी हो गई यहाँ की। एक तो मेरा हैंडल मेरे शॉकर ख़राब हो रहे हैं। भाई पूरा मज़ा आ गया लद्दाख का, जो लद्दाख में वाटर क्रॉसिंग नहीं मिली जो मैं आपको बताने वाला था कि किस तरीके से क्रॉस करते हैं, ऐसे क्रॉस करते हैं कि बिल्कुल स्टेबल रखो हैंडल को और चलाते चले जाओ बस गाड़ी को, रोकना नहीं है, रुक गई तो गिर जाएगी, चलाते रहना है बस उसको। ये लग गया भाई गाँव सिंघू नरेला दिल्ली, दिल्ली में आते ही रोड थोड़े सुगम मिले हैं, हरियाणा में तो घुसे थे वाटर क्रॉसिंग पार कर दिए थे, एटलीस्ट यहाँ पर थोड़ा ठीक तो है रोड, मतलब रोड क्या गली है, गली तो है यहाँ पर, वहाँ तो गली नहीं है, वहाँ तो टूटी फूटी पड़ी, डिफरेंस देख लो बस बगल का ही डिफरेंस इतना तगड़ा। चलो भाई मेन रोड आ गया, बहुत वाटर क्रॉसिंग पार खेल लिया, वाटर क्रॉसिंग क्लियर मिल गया रास्ता। मतलब ये यहाँ से निकलने के बाद ये सीधा जा कर के वो सामने जो बैरिकेटिंग है जहाँ पर पुलिस वालों ने उस दिन मेरे को रोका था कि आप ऐसे घूम के इधर से अंदर चले जाओ, ये वही रोड है जो मैं बोल रहा था कि खुला हुआ है रोड, वो ये चीज़ खुली हुई थी ना कि वो चीज़, मतलब अगर आप इस तरफ से निकलोगे तो ये आपके लिए खुला हुआ है बट अगर आप उधर से आ रहे होगे तो वो चीज़ खुली हुई नहीं है, उसके लिए फिर आपको अंदर से घूम करके ही गाँव में से आना पड़ेगा जैसा पहले मना दिया जाता टाइम मेरे को फेस करना पड़ा था, लेकिन अभी बाइकों को आने दे रहे हैं यहाँ से, उस टाइम पे नहीं आने दिया था मेरे को। ये चीज़ ओपन है भाई लेकिन इसके लिए भी आपको जाना उधर से ही पड़ेगा, मेन जो दिक्कत है वो वही है। ओ भाई यार धूल बहुत उड़ती है, एक तो दिल्ली में आते ही धूल मट्टी चाटनी पड़ जाती है, अभी 11 दिन से कितने मज़े आ रहे थे ना, धूल मट्टी मतलब ऐसी धूल मट्टी नहीं थी, वो धूल मट्टी एडवेंचर वाली थी यार,
ये तो भाई गंदी मिट्टी आ रही है, उड़ उड़ गए कीचड़ उछल दिए। तो फाइनली भाई घर की राह पर, ये भी लद्दाख से आ रहे हैं और घर हमसे थोड़ी सी दूर। बस घर आने की खुशी भाई पूरी उतनी ही होती है जितनी जाने की होती है, आने की खुशी तो उतनी है भाई। सारी ट्रिप ख़त्म हो गई भाई, 12 दिन गुजर गए और आज हम फिर दोबारा दिल्ली में हैं। अब नेक्स्ट ट्रिप पता नहीं कब होगी, कमेंट करके बताओ भाई कहाँ की होनी चाहिए नेक्स्ट ट्रिप। ये ललित भाई मज़े ले रहे हैं खड़े होकर के भाई। कहाँ से? ऊपर से जाओगे? ऊपर से, ऊपर से जाके उत्तम नगर से पानी पी लो। केशवपुर से, केशवपुर से फिर तो ऊपर नहीं चढ़ोगे। हाँ तभी तो मैं पानी पी लो, गर्म हो गया होगा। दिल्ली में आ गया तो सारा वहाँ ठंडा रहता था सुबह से लेके शाम तक। उस पर जाने का वो आगे आगे फुट ओवर ब्रिज है उसके ऊपर से। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, आगे से हल्का सा भाई। फाइनली हो गया लद्दाख, थोड़ा सा लेट हुआ है, थोड़ा सा तो चलता है। कोई नहीं, वो तो चलते चलते होते जाए, हो जाता है। थोड़ा जल्दी थी, हमें क्या 11 बजे भी आ गए थे। डॉक्टर साहब कहाँ? डॉक्टर साहब बाद में फोन करेंगे, उनकी बेटी का जन्मदिन है ना, बेटी का जन्मदिन है। चल भाई, चलो ललित भाई, फोन पे कांटेक्ट में रहेंगे। फोन पे कांटेक्ट में रहेंगे बिल्कुल। एक दिन का तो रेस्ट चाहिए पहले, एक दिन का रेस्ट चाहिए, उसके बाद डाटा डूटा सब ट्रांसफर करते हैं, ठीक है? चलो ललित भाई, चलो भाई। ललित भाई भी अपने घर अब ऊपर से चले जाएंगे, हम नीचे से चले जाएंगे, सब अपने अपने घर पहुंच गए हैं। ख़त्म हो गया लद्दाख भी अपना, कई सालों का सपना अब पूरा हो गया है। शॉकर लीक हो गया था, पंचर हुआ हुआ है इसके पिछले टायर में और हम आ गए दिल्ली उसी पर लेकर के, हवा भरवा भरवा करके। अब ये नहीं पता लगा पंचर कौन सा था, अब कल देंगे, कल चेक करवाएंगे भाई कौन सा पंचर कहाँ से आया था जो इतनी दिक्कत कर रहा था, हवा निकाल दे रहा था बार बार मेरी। 6:07, 8 बजे सुबह चले थे, 10 घंटे पूरे लगे हैं मंडी से दिल्ली तक के सफ़र में। ये आखिरी कट हमारी गली का। आ भाई सोनू, ओ क्या हाल है? हो गया। ओ भाई एकदम मस्त। बारह पूरा भाई, पूरा सर्किट करा है। आगे तो नेटवर्क चले गए थे यार, तो नेटवर्क चले जाएंगे ऊपर जाने। पोस्ट पेड भी खत्म हो गया था आगे जा करके, जब भी तो फोटो नहीं डाल पा रहा था मैं, 6 दिन के बाद मैंने फोटो नहीं डाला। उसके बाद एक बस जो लास्ट है ना, वो जो चढ़ाई जो लिखी हुई थी, हाँ हाँ, वो नाम पता नहीं क्या लिखा होता। हाँ टॉप होगा वही, वही तक तेरी फोटो देखी, उसके बाद देखी, उसके बाद आई नहीं ना, नेटवर्क ही नहीं आया उसके बाद, नेटवर्क नहीं आता ना। सलाम अलैकुम, हाय, ये कौन है, ये कौन है? ये कौन है? ये मेरा बाबू है। आजा आजा आजा, आया है कौन? आया वो तो नीचे। हाँ भाई, तो वापस आ गए भाई अपनी लद्दाख ट्रिप पर से हम। काफ़ी मज़ा आया भाई पूरे रास्ते में, अच्छा मौसम, अलग अलग तरीके के पहाड़ देखे भाई रास्ते, मतलब एक ज़बरदस्त मेरा एक्सपीरियंस रहा है।
इतनी लंबी राइड का आते आते मेरा शॉकर ख़राब हो गया। वो शॉकर को ठीक कराना है तो वो भी ठीक करा लेंगे कल परसों, देखते हैं उसको कैसे करना है, बट ठीक हो जाएगा, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मेरी गाड़ी बाइक बस दिल्ली तक वापस आ गई, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरे साथ जो प्रॉब्लम है, जैसे शॉकर लीक हो गया उसकी वजह से हैंडल मेरा ख़राब हो गया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका है। अब उसको मेरे को चेक कराना पड़ेगा कि उसमें क्या प्रॉब्लम है, चलो वो तो बात की बात है। बट मैं जो था, मेरी जो ट्रिप थी बहुत अच्छी रही, इतने सारे लोग मिले, इतने सारे रास्ते में लोग मिले मेरे को, योगेश भाई मिले, ललित भाई मिले, अंकल जी मिले, और जो इतने सारे लोग थे भाई, डॉक्टर साहब, रोहित साहब, रविंदर भाई, और भाई तुम्हारा जैन साहब, बड़ा मज़ा आया भाई घूमने में। लास्ट डे में तो और भी ज़्यादा मज़ा आया घूमने में। तो योगेश भाई तो वहीं पर रुक गए थे मनाली में, हम लोग दिल्ली आ गए, और दिल्ली आने का भी अपना एक एक्सपीरियंस सही रहा कि मतलब बढ़िया है, काफ़ी दिन मतलब बाहर रह लिए भाई, अब 12 दिन हो गए थे। और अगर मैं घूमने की बात करूँ तो वहाँ पर भाई 12 दिन कम पड़ सकते हैं आपके, 12 दिन में आप नहीं घूम सकते भाई लद्दाख। और इसके लिए आप मेरे हिसाब से तो भाई मतलब अगर महीना ही मिल जाए तो वो भी कम पड़ जाएगा, बट जैसा हमारे पास टाइम होता है, जैसा मौका होता है, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग उसको फुलफ़िल करते हैं। तो बाकी ओवरऑल बढ़िया रहा मेरा, अब इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मेरी लद्दाख जर्नी यहीं पर ख़त्म होती है। आपके लिए मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा, जैसा बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि बजट उसका कितना लगा लद्दाख का, जो भी बजट लगा मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही कम लगा है। उसके बारे में आपको एक डिटेल में बताऊंगा कि पेट्रोल कितने का लगा मेरे को, होटल में रेंट क्या पड़ा। बेसिक जो है वो यही है कि आपका सबसे ज़्यादा जो पैसा जाता है वो पेट्रोल और आपका होटल स्टे में जाता है, तो वो मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा कि भाई आपको कितना खर्चा आ सकता है अगर आप भी मेरी तरह लद्दाख ट्रिप करना चाहते हैं 10-12 दिन की। बस अब इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और बाय, बस इसी तरह सपोर्ट करते रहो, इंशाल्लाह बड़ी जल्दी आपको दूर दूर की वीडियो मिलने वाली है।